विधानसभा चुनाव के दौरान राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी प्रमुख शरद पवार की वह तस्वीरें सभी को याद होंगी जिसमें वे झमाझम बारिश के बीच लगातार भाषण दे रहे थे। उस दौरान उनकी काफी तारीफ हुई और इसका असर एनसीपी के वोट बैंक पर भी दिखाई पड़ा। इतिहास को फिर से दोहराते हुए और अपने दादा के नक्शे कदम पर चलने का प्रयास कर रहे जामखेड़ से विधायक रोहित पवार एक सभा में बारिश के बीच भाषण देते हुए नजर आए। छत्रपति शिवाजी महाराज की जयंती के मौके पर रोहित पवार जामखेड़ में एक सभा को संबोधित कर रहे थे। इसी दौरान बारिश शुरू हो गई। इसके बाद भीड़ पानी से बचने के लिए सेफ प्लेस खोजती नजर आई, लेकिन रोहित पवार नहीं रुके और उन्होंने अपना भाषण जारी रखा। वे भीगते हुए तकरीबन 5 मिनट तक बोलते रहे। बारिश बंद होने के बाद रोहित पवार ने सफाई कर्मियों को सम्मानित भी किया। शरद पवार के पौत्र रोहित पवार करजत जामखेड़ सीट से पहली बार 2019 में चुनाव लड़कर विधायक बने हैं। बारिश में भीगने वाला वीडियो सोशल मीडिया पर काफी सुर्खियां बटोर रहा है और रोहित पवार में लोग शरद पवार की झलक दिखने की बात भी कह रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, वी सरस न्यूज, जामखेड़, महाराष्ट्र।